हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। दिस इज लेक्चर 4 ऑफ आवर आईपीसी सीरीज और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी एंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी। आपके सारे टेक्निकल डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं और इस वीडियो में हम सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 ऑफ आईपीसी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी लेक्चर 3, इट वॉज रिलेटेड टू प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया एंड एक्टस रियस लेक्चर 3। इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी, आईपीसी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है आईपीसी का, कि आईपीसी कहाँ कहाँ इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। मतलब सारा ही आपका टेक्निकल इशू यहाँ पे क्लियर होने वाला है सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 ऑफ आईपीसी, जो एलएलबी एंड एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जुडिशियरी में भी ये पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो इस चैनल पे नए आए हैं, जाइए सबसे पहले नॉलेज आवर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पे हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं, और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़े क्योंकि इस पे भी हमारी रेगुलर अपडेट्स एंड लीडिंग केस लॉज आते रहते हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि हमने डीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस शुरू कर दी हैं एंड 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ 5,999 रुपीज में। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने डीयू एलएलएम, इसके साथ साथ आईएलआई एलएलएम, क्लैट पीजी, आईलेट पीजी, बीएचयू एलएलएम, इन सब की क्लासेस भी शुरू कर दी और केवल 5,999 में क्लासेस है। ज्यादा जानकारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं आईपीसी की बात करूं, सो आईपीसी सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं और इसमें दो चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं। आईपीसी जो है, नंबर वन एप्लीकेबिलिटी, कि आईपीसी एप्लीकेबल कहां कहां है, और उसके साथ साथ अगर एप्लीकेबल के साथ साथ इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये दो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, सो आईपीसी दैट इज इंडियन पिनल कोड, इट अप्लाइज टू या एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जो 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, इससे क्या हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया और होल ऑफ इंडिया में आईपीसी हमारा एप्लीकेबल है। अब इंडिया क्या है, इंडिया की डेफिनेशन जो है सेक्शन 18 ऑफ आईपीसी में दे रखा है, मीनिंग ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है टेरिटरीज ऑफ इंडिया की। ठीक है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात करता है, तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि इंडिया है क्या। अब बात करते हैं इसकी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। देखिए, जो आईपीसी की ज्यूरिसडिक्शन है, इट हैव टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की अगर मैं बात करूं, सो ये दो में डिवाइडेड है, एक है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए दो, इंट्रा मतलब देश के अंदर और एक्स्ट्रा मतलब देश से बाहर अगर क्राइम होता है तो इन दोनों कंडीशन में बता रखा है कब कब आईपीसी एप्लीकेबल होगा और किस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करूं, सो सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है और ये बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, भारत के अंदर जो ऑफेंस कमिट हुए उसकी बात करता है। अब बात यह आती है, भारत के अंदर ऑफेंसेस कमिट हुए हैं सो किसने किए, सो आंसर लाइबिलिटी कौन, एवरी पर्सन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनी पर्सन नहीं होगा यहाँ पे एवरी पर्सन होगा। एक एक आप पॉइंट देख लीजिए, सो लाइबिलिटी किसकी होगी, एवरी पर्सन। अब इस एवरी पर्सन में कौन कौन इंक्लूडेड है, सिटीजन भी आ सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं और नॉन सिटीजन भी आ सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब अगर कोई व्यक्ति ए भारत का नागरिक है और उसने किसी व्यक्ति बी को भारत में मार दिया, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जिसने मारा है, मर्डर किया है ए, वो लायबल होगा, वो भारत का सिटीजन है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि कोई फॉरेनर है, उसने किसी भारत के नागरिक को मार दिया या किसी फॉरेनर को इंडिया में मार दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये आईपीसी बात करता है कि अगर भारत में क्राइम हुआ है और भारत में ही मर्डर किया गया है, तो कोई फॉरेनर भी अगर मार रहा है या मर्डर कर रहा है तो उस केस में फॉरेनर को भी बुक किया जाएगा और आईपीसी के पास पावर है कि वो उसको बुक करके चार्जेस उसके ऊपर लगा सके। अब नॉन सिटीजन में जैसा मैंने कहा फॉरेनर्स आते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्राइम किया जाए फॉरेनर द्वारा वो इंडिया में हो क्राइम। मतलब क्या है
कि क्राइम जो हो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो, इंडिया में हो, और इंडिया कहीं ना कहीं उसका जो क्राइम हो वो कहाँ हो, इंडिया में हो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो क्राइम फॉरनर कर रहा है वो इंडिया में रहकर कर रहा है या बाहर से कर रहा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक चीज और है, मान लीजिए कोई चेन ऑफ क्राइम स्टार्ट हुई है बाहर से, ठीक है, और वो एंड कहाँ हो रही है, इंडिया में आके एंड हो रही है, तो उस केस में भी आईपीसी के अंडर इस ऑफेंस को ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। और रेजिडेंस ऑफ फॉरनर की फॉरनर कहाँ रह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक केस था जिसमें क्या था, एक व्यक्ति कराची में था और उसने मुंबई बेस एक व्यक्ति को ठग लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो यूएस यूके भाग जाता है, यूके से उसको पकड़ के फिर इंडिया में लेके आया जाता है। तो वो दलील देता है कि भाई मैं तो इंडिया में था ही नहीं। तो इसमें क्या कहा गया इस केस में कि भैया भले ही तुम इंडिया में नहीं थे लेकिन लेकिन क्या क्राइम तो कहां हुआ है, इंडिया में हो गया ना, आपने चीटिंग कर ली, आपने ठग लिया। सो अल्टीमेटली आपका रेजिडेंस जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भारत में थे या नहीं थे। So, यहां से आ जाता है कि फॉरनर की पूरी बात हो गई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और छोटा पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। देखिए सेक्शन टू का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी की बात की गई है यहाँ पे, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी की बात की गई है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है सेक्शन 5। देखिए सेक्शन 5 में बात करता है स्पेशल और लोकल लॉज, मतलब अगर कोई स्पेशल और लोकल लॉज बनाए गए हैं किसी चीज को डील करने के लिए तो उस पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे जैसे मिलिट्री में क्या होता है, कोर्ट मार्शल के लिए एक्ट बना रखे होते हैं, या मान लीजिए टाडा बना रखा है, ठीक है, तो अगर स्पेशल एक्ट बना रखे हैं तो उस केस में आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो स्पेशल और लोकल एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। और अदर कुछ एक्सेप्शन है, अदर कुछ एक्सेप्शन जैसे जैसे यहां पे आप आ जाइए अदर एक्सेप्शन पे, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर है, प्रेसिडेंट साहब अगर मर्डर कर दे अपने कार्यकाल में किसी का, उनको बुक नहीं किया जाएगा, प्रेसिडेंट हो गए गवर्नर हो गए, मतलब आर्टिकल 361 क्लॉज 2 में बात होती है, ठीक है। उसके बाद एम्बेसडर्स हो गए, फॉरेन डिप्लोमेट, फॉरेन आर्मी या एलियन एनिमी, वॉरशिप अगर पकड़ी गई है उसमें, तो बेसिकली ये क्या है, ये कुछ एक्सेप्शन है जिसपे सेक्शन 2 के तहत आईपीसी का ज्यूरिसडिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सो अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करते हैं, तो सेक्शन 3 सेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी, ये बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की। सो सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी, और इसके साथ साथ सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इन तीनों को मिला के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बनता है। लेकिन हमारे आईपीसी में दो सेक्शन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, और दोनों ही इंटरलिंक्ड है, और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 बात करता है कि कोई भी ऑफेंस अगर इंडिया के बाहर किसी ने किया है तो उसकी क्या लाइबिलिटी होगी। तो सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस किसी भी पर्सन, एनी पर्सन, लाइबिलिटी किसकी है, एनी पर्सन अगर कोई जो है वो इंडिया के बाहर क्राइम करता है तो उसपे भी एप्लीकेबल होगा आईपीसी, दैट इज इंडियन पिनल कोड। अब आपका सवाल ये होगा, इसका मतलब ये है कोई अंग्रेज, अंग्रेज इन द सेंस कोई फॉरनर अगर बाहर दैट इज इंग्लैंड में खून कर देता है इंग्लैंड के नागरिक का और वो भारत में आ जाता है तो क्या उस पे भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा। तो अब यही क्वेश्चन जो है इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कर दिया गया है, एक्सटेंशन ऑफ द कोड, दैट इज इसी एनी पर्सन को। यहां सेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा था, एवरी पर्सन, ठीक है, और यहां जो एनी पर्सन है इसी चीज के डाउट को क्लियर करने के लिए एक्सटेंशन ऑफ द कोड दैट इज सेक्शन 4 लेके आया गया। और सेक्शन 4 बात करता है यहाँ पे दो टाइप के पर्सन की, एक एनी सिटीजन, एनी सिटीजन मतलब अगर कोई भारत का नागरिक है वो भारत के बाहर कोई भी क्राइम करता है तो उसको इंडिया में बुक किया जा सकता है। मतलब एक केस था जिसमें युगांडा में एक भारत का नागरिक मर्डर करके आ जाता है, भारत में भाग के आ जाता है, तो इस केस में क्या है कि आईपीसी के अंडर उसे जहां वो पाया जाएगा, जिस भी स्थान पे पाया जाएगा उस पे केस चला के उसको मर्डर की सजा दी जा सकती है। सो अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर क्राइम करता है तो, और एनी पर्सन, एनी पर्सन में यहाँ पे फॉरनर भी आता है कि अगर कोई फॉरनर है या इंडियन सिटीजन है वो किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे जो भारत में रजिस्टर है अगर उस पे कोई क्राइम करता है तो उस फॉरनर या इंडियन सिटीजन को भी आईपीसी के अंडर बुक किया जा सकता है और आईपीसी के तहत ही उस पे कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे बात आती है
कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिप और एयरक्राफ्ट को क्या माना जाता है, अगर मान लीजिए कोई हमारा शिप या एयरक्राफ्ट है जिसपे भारत का झंडा है तो उसे हम भारत का फ्लोटिंग आइलैंड मानते हैं, इसलिए ये रूल एप्लीकेबल होता है और आईपीसी एप्लीकेबल होगा। इसके साथ साथ अगर कोई बाहरी व्यक्ति, कोई फॉरनर है या कोई इंडियन सिटीजन या कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, अगर वो बाहर रहकर इंडिया की किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को हैक करने की कोशिश करता है तो आईपीसी के तहत उसको बुक किया जा सकता है। सो अब हम आगे बात करते हैं एक और टाइप के ज्यूरिसडिक्शन की, दैट इज एडमिरैल्टी ज्यूरिसडिक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन है एडमिरैल्टी ज्यूरिसडिक्शन, इट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब देखिए एडमिरैल्टी ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है, एडमिरैल्टी ज्यूरिसडिक्शन होता है कि किसी इंडियन शिप पे जो हाई सी में है, अगर किसी इंडियन शिप पे जो हाई सी में है कोई क्राइम होता है तो उस केस में भी जो आईपीसी के अंडर संज्ञान लिया जा सकता है और आईपीसी एप्लीकेबल होगा। इसके साथ साथ कोई फॉरेन शिप है, अगर उस फॉरेन शिप पे कोई क्राइम होता है तो उस केस में भी आईपीसी के तहत संज्ञान लिया जा सकता है और आईपीसी का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगा, अगर वो शिप इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में है। अब टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम दी बेस लाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है टेरिटोरियल वाटर कहां तक आता है। सो ये जो फॉरेन शिप है उस पे भी आईपीसी का ज्यूरिसडिक्शन होगा, कब होगा, ये कंडीशन है। और पायरेसी के केस में, जो आपने पायरेसी के बारे में पता ही होगा आपको, समुद्री लुटेरे, तो उस केस में भी अगर किसी भी कंट्री में या कहीं पे भी कोई भी कंट्री, चाहे हाई सी हो चाहे कोई भी सी हो, किसी भी पायरेट को पाती है तो वो अपने लॉ के तहत उसको ट्रीट कर सकती है। सो पायरेसी में भी आपका जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है आईपीसी का। अब ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ये कौन से सेक्शन के तहत आते हैं, सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 3 एंड 7 ऑफ द टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैरिटाइम जोन एक्ट 1976, और एक नोटिफिकेशन आया था उसके तहत ये सब आता है। अब यहां पे मैंने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के साथ एक सेक्शन और डिस्कस किया था, दैट इज सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी की अगर हम बात करें तो सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी क्या बात करता है, ये कहता है, क्या कहता है कि आप केस चला सकते हैं, किस केस में, इन द केस ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन उस केस को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल आपको चाहिए होगी। सो प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आप कोई भी ऐसा केस चलाना चाहते हैं। सो ये 188 का क्रक्स है। अब क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन माइंड में आपके आ रहे होंगे कि लाइबिलिटी ऑफ फॉरनर फॉरेन ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया सेक्शन 2 के तहत कि भैया कोई भी इंडियन, अगर कोई भी अगर फॉरनर इंडिया में क्राइम करेगा तो लाइबल होगा। क्यों, क्योंकि एक लीगल मैक्सिम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूस एट, ठीक है, ये एक लीगल मैक्सिम है, इसके तहत क्या होगा कि वो लायबल होगा। इसके साथ साथ अच्छा ये केस भी था, ऐसा था कि एमएस जॉर्ज का एक केस है, इसमें क्या होता है, एक फॉरनर जो है वो, उसको जाना होता है पॉइंट ए से लेके, ए देश से लेके बी देश में जाना होता है, और बीच में क्या पड़ता है, इंडिया पड़ता है, और हमने एक नोटिफिकेशन और रूल निकाला था कि आप अगर कोई भी सामान लेके आ रहे हैं, गोल्ड या कुछ भी, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति उसको डिक्लेयर नहीं करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको बुक कर लिया जाता है एमएस जॉर्ज को, और उसको पनिशमेंट होती है। सो दिस इज द लीगल मैक्सिम, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, और आपको बुक किया जाएगा एंड आईपीसी आप पे एप्लीकेबल होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि लाइबिलिटी ऑफ फॉरनर हु ऑब्टेन इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, मतलब क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बाहर क्राइम कर दिया, मतलब यूके में मान लो एक्स ने क्राइम कर दिया, ठीक है, सो अब यूके में उसने क्राइम कर दिया, पर उसके वो इंडिया का सिटीजन नहीं था, वो उस समय यूके का सिटीजन था, बाद में क्या होता है कि वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है, तो इस केस में क्या होगा, क्या हम उसको बुक कर सकते हैं जो क्राइम उसने पहले कर लिया है, तो द आंसर इज नो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, इस केस में हम उसको बुक नहीं कर सकते उसके प्रीवियस क्राइम के लिए, ठीक है, अगर बाद में सिटीजनशिप लिया क्राइम करने के बाद तो हम तभी बुक कर पाएंगे जब उसने क्राइम किया है, कब, सिटीजनशिप लेने के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 1 टू 4,
आई होप 1 to 5 आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा सेक्शन 1 to 5। फिर भी ये कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड आप टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट।